सासिया मैया काल न देखे कबहु दुपहरिया और ना देखे संझवा सकार हे मैया कबहु सकतवा सिधार। काल कभी ये नहीं देखता है कि बचपना है कि जवानी है कि बुढ़ापा है। कभी भी मनुष्य के जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए मनुष्य का मूल कर्तव्य है मैया कि जैसे उसकी तरुण अवस्था आए गुरु के पास चला जाए और गुरु से प्रभु के नाम को जान ले और भजन करना प्रारंभ कर दे, चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो। अरे छोटा सा जोगी है जब इतनी सुंदर बात बताया तो मैया और दुल्हन समझ गई कि वास्तव में कोई अच्छे गुरु का चेला है। छोटा सा जोगी है, मैया कहती तो तुम्हें भिक्षा दे दूं बाबा। जोगी कहता है मैया भिक्षा तो दो ही, लेकिन एक बात पूछूं। दुल्हन कहती है छोटा सा जोगी है क्या पूछोगे बाबा। तो जोगी मैया उस दुल्हन से पूछता है कि ए मैया अरे कितनी बमाई है तोहरी वो मैया। तुम्हारी उम्र कितनी है? अरे कितनी बमाई है तोहरी वो मैया। तुम्हारी उम्र कितनी है और जो तुम्हारे पति देव है उनकी उम्र कितनी है? तुम्हारे सास ससुर कितने कितने साल के हैं? जोगी के बचनों को सुन करके और नई नवेली दुल्हन कहती कि बाबा तुम मेरी उम्र पूछ रहे हो, मेरे पति की उम्र तो सुनो 12 बरस की बाबा हमारी उमरिया। 12 बरस की बाबा हमारी उमरिया। बरस के हैं हमारे समरिया। अरे जलना मझूलत है ससुरा हमारे। अरे जलना मझूलत है ससुरा हमारे। अरे सासु न पैदा हम
अपने बाबा से बताया कि बाबा हमारी उम्र 12 वर्ष की है। भिक्षा ले लिया और दुल्हन से कहने लगे, मैया धन्य बमाई तोहार किसम और सपन पे मार गईले शरण धाम में सूत जी महाराज मेरे भक्तों सौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते कहते, अयोनियो मनुष्य का मूल कर्तव्य है कि तो कतई कोटि अपराध। मनुष्य का कर्तव्य है कि एक घड़ी नहीं, वाल्मीकि ने सप्त ऋषियों को एक वृक्ष में बांध दिया, अपने घर को गए, कहा भाई चोरी में अगर हम फंस जाए तो तुम लोग हमारे साथ सजा में बंटवारा करोगे। परिवार वालों ने कहा मैं नहीं कहता हूं कि तुम चोरी करो, मारे जाओगे या तुम्हें सजा मिलेगी उसमें हमारा कोई साझा नहीं है। वाल्मीकि की आंखें खुल गई मेरे भक्तों, लौट करके आए, सप्त ऋषियों को खोल दिया। कहा मेरे घर वालों ने कहा कि तुम्हारी चोरी में सजा में मेरी कोई साझेदारी नहीं है, तो कहा फिर चोरी करना बंद कर दो। वाल्मीकि ने कहा बंद तो कर दूंगा, लेकिन जो अभी तक चोरी किया है इसका फल मुझे जरूर मिलेगा, इससे बचने के लिए कोई उपाय बता सकते हैं? सप्त ऋषियों ने कहा हाँ बता सकता हूं, अगर तुम राम राम कहते रहो तो तुम्हें किए हुए कर्मों का फल आसानी से कट जाएगा। वाल्मीकि ने कहा मैं तो ये कह नहीं पाऊंगा, जीवन भर मैंने चोरी किया, मुझसे आता ही नहीं, मरा मरा आता है। कहा ठीक है, तुम इसी जगह पर बैठ करके मरा मरा कहते रहो और जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक यहीं से कहीं जाना नहीं, तुम्हें मरा मरा ही कहना है। आज इतना कह करके सप्त ऋषि चल दिए। वाल्मीकि जी आसन लगा लिया, बैठ गए, मराम राम 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 मरा मरा कहते कहते राम राम कहने लगे। 3000 वर्ष तक बीत गए मेरे भक्तों, जब सप्त ऋषि लौट करके आए तब तक उनके शरीर को दीमक की मिट्टी ने खा लिया था, विमोद बन गया था। सप्त ऋषियों ने देखा वहां पर कोई नहीं है, एक छोटा सा माटी का गुरगुज बनाए, उसके पास पहुंचे और आवाज दिया, वाल्मीकि जैसे आवाज कानों में पड़ी, सुंदर शरीर धारण करके और वाल्मीकि जी निकल पड़े। तुलसी जगत जहां
उल्टा नाम जपत जग जाना, बालक भयो ब्रह्म समान।